Hey guys, hello and welcome back to this channel. This is me, Manu Mani, your boss girl, and today I have Krish Chawla along with me, जो मेरे ही intake में मेरे साथ ही जा रहा है. हमारी flight same day पे है. So सोचा कि आपको एक proper tour देते हैं कि लड़के कैसे packing करें. And this is particularly for boys, क्योंकि clothing होगी boys की और accessories होंगे boys के और grooming भी boys के लिए होगी. So this will be complete guide for you और काफ़ी ज़्यादा helpful video होने वाली है. So दिखाएं तूने क्या क्या किया है. और अभी by the way हमने part one भी बनाया किचन आइटम्स का, तो वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी लिंक. वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मेन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें क्रिश ने एज अ बॉय ली थी, तो वो भी आप चेकआउट करना. तो चलो शुरू करते हैं और दिखाते हैं. बेडरूम में सब कुछ सेटअप करके रखा है आपके लिए. लेट्स गो. क्रिश का खजाना. खाना खजाना पे जो. बट दिस एज अ गर्ल इज सो शॉकिंग फॉर मी कि लड़कों का बस इतने में ही हो गया. मतलब चार साल का सामान बस. मतलब मेरा दो बार बेड भरना पड़ेगा, तो आई विल स्टिल ऑर्गेनाइज थिंग्स. तो एज अ बॉय काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पैकिंग है. तो चल क्रिश शुरू कर, वहां से शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली यूटिलिटीज वगैरह में भी क्या लिया तूने. चलो सबसे पहले फिर आ जाते हैं हम ग्रूमिंग के ऊपर. ग्रूमिंग में बेसिकली अपना बॉयज़ का रहता है ज़्यादा करके शेविंग किट वगैरह, तो यहाँ पे फोम वगैरह है, उसके साथ में रेजर्स भी हैं. यहाँ पे देख सकते हो रेजर्स है साथ में, साथ में वहाँ पे सीजर्स जो है. ये एक्चुअली ग्रूमिंग का नहीं है, बट इट्स यूनिवर्सल के कुछ भी कटिंग वगैरह के लिए लगेगा. पैकेट्स वगैरह आपको पैकेट कटिंग करना है, कुछ भी करना है उसके लिए लगेगा. दीज आर फेस वॉशेज. ये तीनों भी फेस वॉश है, ये भी फेस वॉश है. मतलब चलो ट्राई कर लेंगे. 21 साल की उम्र में तो कभी मुंह धोया नहीं अच्छे से, उधर जाके देखेंगे धो लेंगे. ये है भी अपना सोप बॉडी वाला. मुझे शावर जेल नहीं सूट करता इसलिए मैंने सोप ले लिया है. ये है अपना शैम्पू. शैम्पू मैं रेकमेंड करूँगा कि ऐसे सैशेज ही ले लो, क्योंकि बॉटल्स वगैरह जो है वो टूटने वगैरह का डर रहता है. अगर बॉटल्स ले रहे हो तो उसको ऐसे प्रॉपर एक सील पैक्स में पैक करके आप लेकर जा सकते हो. अभी इसके ऊपर आ गए तो इसमें सब मेरा ये है सुई धागे का सामान है. बटन वगैरह दिख रहा है ऊपर से. उसके बाद में ये एक स्क्रू ड्राइवर का सेट है. वहाँ पे सब काम भैया हमको खुद को ही करना है, तो ले लिया मैंने एक स्क्रू ड्राइवर का सेट साथ में कि काम में आ जाएगा. उसके बाद ग्रूमिंग में आगे आ जाता है ब्रशेज. मैं साल भर के ब्रश लेके जा रहा हूँ अभी साथ में. और बाकी ये थोड़ा फर्स्ट एड का सामान है, जैसे ये होम्योपैथिक मेडिसिन है. ये अपना स्प्रेन वगैरह का उसका स्प्रे है, डेटॉल है. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लुकमान तेल बोलते हैं. आपके यहाँ पे मिलता होगा नहीं मिलता होगा पता नहीं, बट दिस इज़ अ वेरी गुड ऑयल. इसमें देखो लिखा हुआ है बर्न स्प्रे, कट स्प्रे, इंजरी स्प्रे, स्प्रेन, पेन, स्वेलिंग, सब कवर कर लेता है. ये बेसिकली हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है. उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉल के पैकेट्स है, डिहाइड्रेशन वगैरह कभी हो गया तो. बैंडेजेस है. ये D3 के सैशेज हैं. D3 जैसे हमको मालूम है वहाँ पे सन नहीं है ज़्यादा, तो विटामिन डी मिलता नहीं है, इसलिए D3 के मैंने सैशेज ले लिए. बाकी ओवरऑल सारी मेडिसिन है, बुखार की, खांसी की, पेट के दर्द की, सब मेडिसिन इसमें ही है. ये मल्टी विटामिन है, जैसे कभी कोई अगर खाना प्रॉपर नहीं हुआ तो एक मल्टी विटामिन का टैबलेट ले लिया हो जाता है काम. ये कॉफ स्ट्रेप्सिल्स वगैरह तो सबको मालूम ही रहेगा. बाकी ये टूथपेस्ट है पतंजलि, हम रामदेव बाबा के फ़ैन हैं तो पतंजलि ले लिया. साथ में ये कपड़े सुखाने के लिए जो क्लिप्स रहती हैं वो है. ये एक क्लीनिंग क्लॉथ है, मतलब इससे कोई भी कुछ भी क्लीन कर सकते हो, डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी कुछ हो जाएगा इससे. इसको सिर्फ थोड़ा गीला रखना पड़ता है और बाकी इट्स अ वेरी गुड क्लॉथ. बाकी उसके बाद में यहाँ पे जैसे आगे आ जाएंगे हम, यहाँ पे आता है अपना गाइस. मुझे इसका यूनिवर्सल अडैप्टर बहुत सही लगा. इसने लोकली जाके कितने में लिया है? इट्स अराउंड 150 रुपीस. 150 और ऑनलाइन मुझे वही चीज 350 400 450 वैसे तो लोकल. यस, लोकल में एक बार जाके देख लेना, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं अगर आपकी लोकेलिटी में मिलता तो अमेजोन इज अ गुड ऑप्शन. इसको बोलते हैं हम शू स्पून, जैसे शूज़ पहनने के टाइम पे ऐसे लगा कर हम पहन सकते हैं. ये है, ये ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र है, जैसे फेंसिंग के जैसा दिख रहा रहेगा आपको. तो ड्रॉअर्स में इसको ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक करके हम, एक के ऊपर एक नहीं, ऐसा एक लगा दिया और ऐसा एक लगा दिया तो हम ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. बाकी ये तो एक्सेसरी वगैरह, ये स्पीकर है मैंने लिया था इंडिया से ही तो लेकर जा रहा हूँ. ये पावर बैंक है स्टूडेंट्स को. यस, ये कोम वगैरह, कोम तो यहाँ पे जाएगा. बैटरीज मैं लेकर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसिव रहेगी बैटरीज, तो यहाँ से अराउंड ये 12 या 10 का सेट है तो वो ले लिया है मैंने. ये टॉर्च है, पोर्टेबल टॉर्च है, चार्जेबल, प्लस इसमें SOS भी है.
ये भी मैंने लोकली ही लिया है, बाकी मेरे को फोटोग्राफी का थोड़ा शौक है तो मैंने कैमरा वगैरह ले लिया है, मेरा कैमरा लेकर जाने वाला हूँ। ये वॉचेज है, ये नॉर्मल वाली है, ये स्मार्ट है, उसके बाद मेरे डियोज परफ्यूम्स वगैरह है, ये जहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे मेरे दोनों हेडफोन्स हैं। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा क्या है, कुछ लोग इसको बोलते क्लिप है क्या है, बट मैं गिटार बजाता हूँ तो इसको कैपो बोलते हैं। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है कैपो है, तो ये कैपो मैं लेकर जा रहा हूँ। गिटार तो अनफॉर्चुनेटली नहीं लेके जा पाऊँगा तो मैं सोचा कैपो लेके जाते हैं, एक्सेसरी उसका। ये मेरे को कॉलेज से मिला था, अभी मेरा प्री डिपार्चर था, 20th जुलाई को था। तो ये वहाँ से, यस, मैं अहमदाबाद गया था तो वहाँ से मुझे ये मिल गया। ये है पासपोर्ट का है, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही फिर नीचे आ जाएंगे उसके साथ में आते हैं फिर कपड़ों पे आते हैं। यस, ये भी है साथ में कैमरा का ट्राइपॉड, तो फोटोग्राफी के लिए लगेगा मुझे थोड़ा, उसको साइड में रखते हैं। चलो अभी आ जाते हैं। ये है मेरे दो ब्लैंकेट्स, वन ये हो गया, टू ये छोटा है ये बड़ा है, और ब्लैंकेट आप इजीली ले जा सकते हो। ये कितना 400-500 ग्राम का होगा, मतलब ये आधा किलो में अगर आपका निपट रहा है मेरे को, हाँ। उससे भी मतलब उतना ही लग रहा है, हाँ। कम ही लग रहा है, तो उतना ही होगा। वैक्यूम बैग भी आपको करके दिखाएंगे कि कैसा लगेगा। और ये क्रिश की बचपन की यादें हैं इसमें, बेंटन में, तो ये लेके जा रहा है बचपन का प्यार। कितने चादर लेके जा रहा है क्रिश? बेडशीट्स, हाँ बेडशीट्स है यहाँ पे, बेडशीट्स है, तीन बेडशीट्स है, उसमें से एक व्हाइट है, बाकी दो कलर वाली है। तो इसके साथ पिलो का भी, पिलो कवर्स भी मिले हैं। तो लड़कों को ये फायदा है कि सामान कम है तो आराम से उसने बेडशीट तीन तीन डाल दी, और इतना भी हैवी नहीं है तो आप ले जा सकते हो। तो इतना भी हैवी नहीं है और वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, मैंने भी रिसर्च की है, तो डेफिनेटली बेडशीट दो तो कम से कम लेके ही जाओ, और ऐसे हल्के वाले कम्बल भी है ना, जितना टाइम आप सस्टेन कर सकते हो यहाँ के कंबल्स पे कर लो, बाद में वहाँ पे कमाई करके अच्छे अच्छे ले लेना। उसके बाद में यहाँ पे हम आते हैं, ये ट्रेडिशनल वेयर है, तीन कुर्ते हैं मेरे पास में इंडिया के, वो लेकर जा रहा हूँ साथ में, बॉटम उनका एक ही कॉमन। ये ग्लव्स भी पहले से है मेरे पास में तो लेकर ही जा रहा हूँ, छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ। ये है, ये वार्मर टोपी है, ये कैप मम्मी ने मेरे को बना के दी है स्पाइडरमैन की। उसके साथ में ये कैप्स अलग अलग हैं कुछ साथ में। फिर आ जाते हैं ये यहाँ पे हैं अंडरगारमेंट्स जो हैं अराउंड 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स मेरे अंडरगारमेंट्स हैं। उसके बाद में ये आ जाते हैं अपने हैंडकरचीफ, ये है, ये भी 12 है। उसके बाद में ये ऑर्गेनाइजर पाउचेस हैं, इसमें कपड़े डाल के जैसे मेडिसिन वगैरह कुछ भी डाल के इसमें लेके जा सकते हैं। फिर ये नैपकिनस हैं, ये जो है ये थोड़ा अलग अलग है, ये डस्टिंग नैपकिन है, अगर इससे साफ सफाई कर सकते हैं। और ये बाकी किचन में कुछ काम करने आए हैं उसके लिए, उसके बाद के हैं। एंड दीज आर अपने नॉर्मल हैंड डॉल्स, ये है चार, ये भी हैं चार, और ये दो डस्टिंग वाले। ये मेरे डेली, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ले जाया करो, फालतू में बहुत खर्चे हो जाएंगे स्टार्टिंग में, हर चीज लगती ही है। राइट, ये दोनों मेरे डेनिम के जैकेट्स हैं, ये भी यहीं पे जगह है तो लेकर जा रहा हूँ, हाँ। बाकी भी आगे पैकिंग करेंगे तो पता चलेगा कितना जगह है। जो भी आपको हैवी लगे वो आप पहन के भी जा सकते हो, लाइक फ्लाइट में ये खादी जैकेट कैरी कर लिया, बांध लिया, तो वो भी वजन कम हो जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पे टॉवल्स पे, ये दो टॉवल ले लिए मैंने, रफ एंड टफ अच्छे वाले लेना जो खराब नहीं होंगे। फिर ये आ जाते हैं हुडीज, ये एक हुडी है, ये स्वेटर है, एंड नीचे यहाँ पर है मेरे सारे थर्मल्स। थर्मल कितने लिए? थर्मल मैंने दो टॉप लिए हैं, एक फुल स्लीव, एक हाफ स्लीव, और एक बॉटम। ओके, यहाँ पे आ जाती है फिर शॉर्ट्स, शॉर्ट्स है एक दो तीन, समर में आपको डेफिनेटली लगेंगे, चार शॉर्ट्स हैं ये, बाहर अंदर कहीं भी पहन सकते हो, चार शॉर्ट्स हैं। उसके बाद में सॉक्स आ जाते हैं, दीज आर ऑल्सो 12 पेयर्स ऑफ सॉक्स। ओके, फिर यहाँ पे है सनग्लासेस दोनों, सनग्लासेस में ये रह गया एक, ये इम्पोर्टेंट है, ये स्क्रीन गार्ड्स हैं फोन के, आपके मॉडल के हिसाब से अगर आप काफी टाइम तक चेंज नहीं करना है जो फोन तो ले लो 5-6, मतलब वहाँ पे काम में रहेगा। और ये इसके बारे में मैं एंड में बताता हूँ, ये मालूम तो है पेन ड्राइव है सबको, ये पेन ड्राइव है, बट ये मैंने लिया है OTG वाला, मतलब इसका यूटिलिटी जो है वो डबल है, आप लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टली फोन्स पर भी लग जाता है ये। तो कहीं पे अगर आपको लैपटॉप का एक्सेस नहीं रहा, इफ यू वांट सम डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो डायरेक्ट फोन में डाल के भी कर सकते हो। फिर आ जाते हैं अपने टी शर्ट्स पे, दीज आर माई होम टी शर्ट्स, होम के टी शर्ट्स लिए हैं मैंने, 8
आठ टी शर्ट है घर पे पहनने के लिए, ये पूरा पाइल है मेरा बाहर के टी शर्ट्स का, दीज आर अराउंड 10 टी शर्ट्स जो बाहर पहनने के लिए हो जाएंगे। उसके बाद में ये हैं शर्ट्स, शर्ट्स भी है 9 शर्ट्स हैं तो वो भी बाहर यूज कर सकते हैं। फिर है ये अपने बॉटम्स जीन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीन्स है, और एक कार्गो पहनने वालों में फॉर माई एयरपोर्ट, तो वो हो जाएंगे 7। राइट, वो छतरी मानवी ने गिरा दी, छतरी भी लेकर जाओ क्योंकि छतरी वहाँ पे महंगी है। पोर्टेबल वाली भी ले सकते हो जो छोटी वाली होती है, ये मैंने लिया डेकेडलॉन से क्योंकि उसका क्वालिटी वगैरह वहाँ चल जाएगा, तो वहाँ पे सबसे छोटी यही वाली थी तो ये वाली ले ली मैंने। ओके, सो ये वाली डेकेडलॉन की है, सो क्रिश आराम से 3 लोगों को साथ में ले जाके हाँ मैं लूंगा तो $5 लूंगा ना सर पहुँचाने का, देख लो। ठीक है, छतरी वहाँ पे मैंने रिसर्च किया था तो अराउंड $30 का एक छतरी मिलता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पे मेरे को मिली 500 रुपीज़ में। बाकी सैक जो है ये मैं मेरा डेली यूज के लिए लैपटॉप बैग भी है उसमें, सैक वैसे ही यूज कर लूंगा, कॉलेज वगैरह के लिए लैपटॉप भी उसमें आ जाएगा। और ये ट्रैवलिंग में भी आप एज अ लैपटॉप बैग 7 kg ले जा सकते हो। यस, सो टोटल तेरे बैग्स भी अभी हमें दिखाने की, एग्जैक्टली तू किस बैग में कितना, मतलब कितने बैग्स हैं तेरे टोटल? तो बैग एक तो ये हो गया गाइस, और बाकी 3 अभी आपको क्रश दिखाएगा। बाकी शूज पे शूज इधर नीचे सजा के रखे हैं मैंने। यस, तो ये 3 पेयर्स ऑफ शूज है और एक चप्पल ले लिया मैंने, वो मेरे को काफी हो जाएगा। राइट, बैग्स बैग्स है वहां पे राइट साइड में, आपके बैग्स है जो सबसे छोटी वाली वो केबिन की, और 7 kg 23 kg। और ये हम दोनों ने जो मैंने भी वीडियो बनाई थी लगेज बाइंग की मेट्रो से, हमने सबने एक ही ऑफर में लिया था क्योंकि 7100 कुछ ऐसे पड़ी है ना, तो काफी ज्यादा अच्छी डील थी, काफी ज्यादा क्लासी अच्छे बैग्स हैं। और अभी एक तू डेमो भी करके इनको दिखा दे कि तेरा कितना कपड़े कितने वैक्यूम में हाँ आ रहे हैं, है ना। तो गाइस इतना सारा सामान है, अभी इसको वैक्यूम करके दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि इतना सारा सामान, एक ब्लैंकेट, 3 चादरें, पिलो कवर्स, थर्मल्स और हुडी के बाद ये इतना हो गया है। वजन वाइज तो उतना ही है बट स्पेस आप देख सकते हो फ्री अप हो चुकी है। सो ये एक प्रो टिप थी कि लिंक में जाके आप चेक करो और ये सामान आप खरीद सकते हो, वैक्यूम बैग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने पैकिंग में दिखाई। और आई डोंट थिंक आपको पैकिंग करके दिखाने की हमें ज़रूरत है क्योंकि आप अपने हिसाब से अपने कपड़े ठूस दो और सब कुछ कर लो। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, हमारा पार्ट 1 भी जाके चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा उसमें भी सामान इसका है ले जाने लायक। एंड आई होप यू लाइक इट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और अपना इनटेक, अगर आप पैकिंग वीडियो देख रहे हो मतलब आप जा रहे हो तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपना इनटेक, कॉलेज सब कुछ डालना है और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नेटवर्क करना मत भूलना। एंड क्रिश तुझे क्या बोलना है, एनी पैकिंग टिप्स, प्रो टिप्स? पैकिंग टिप्स, जितना जरूरत का सामान हो उतना ही लेके जाओ, ज़्यादा मत लेकर जाओ। जैसे अभी लड़कियों को तो बोल नहीं सकता मैं कपड़े कम लेके जाओ, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही लेके जाओ, उतना ही भूलो। थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल है एज अ गर्ल कि क्या गिव अप करके जाना है, बट लड़कों का यार ऑनेस्टली बहुत सिंपल सा फंडा है, कुर्ते ले लो हो जाएगा। हम लड़कियों का ड्रेस, पेटीकोट, ब्लाउज सब अलग अलग होता है, राइट? सो वी कांट हेल्प इट, आई विल डेफिनेटली अपलोड माई पैकिंग वीडियो एज वेल। सबसे पहले देखो कृष्ण ने कर ली, उसकी वीडियो डाल रही हूँ सो दैट मेरे को बहुत सारे सेप्टेम्बर इनटेक के स्टूडेंट्स बोल रहे थे फटाफट वीडियो डालो हमारी पैकिंग चल रही है। सो दिस इज फॉर यू गाइज, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड दिस इज अवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, गो फॉलो अस। कुछ भी डाउट हो जेन्युइनली पूछ लेना, हम रिप्लाई करते रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस, यही है इस वीडियो में एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। और क्रिश को आप चाहते हो कि नहीं मेरे और भी ब्लॉग्स में आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देखते रहिए और बिलीव इन योर ड्रीम्स। बाय।